बंगाल बिहार बॉर्डर के समीप किशनगंज के फरिंगोला चेकपोस्ट के पास नेशनल हाईवे 31 पर ट्रक और कंटेनर के बीच सीधी टक्कर हो गई। मवेशियों से लदा कंटेनर पलट जाने से कई मवेशी बुरी तरह घायल हो गए, जबकि आधे दर्जन मवेशियों की दम घुटने से मौत हो गई। ट्रक बीच सड़क पर पलटने से एक तरफ का हाईवे लेन भी बाधित हो गया है। दुर्घटना के बाद ट्रक के चालक और खलासी मौके से फरार बताए जाते हैं। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर संजय कुमार यादव ने मानवता का परिचय देते हुए ग्रामीणों की मदद से खुद घायल मवेशियों को ट्रक से बाहर निकालने में जुट गए। पुलिस ने बताया कि घायल मवेशियों को इलाज के लिए पशु अस्पताल भेजा जाएगा, साथ ही ये भी बताया कि मामले की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहा 5:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली, 4:30 बजे के आसपास, तो कि ऐसे ऐसे ये फरिंगोला चेक पोस्ट के पास अभी तत्काल जो एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गई है, जो जानवर से लदी हुई है। आए तो यहाँ किसी को नहीं पाए, तो अपने जवान को वहाँ पर से उठा करके दो चार आदमी मिल कर पहले प्रयास किए, फिर लोगों के सहयोग से लगभग 20 गाय है, जिसमें 2-3 जन मरा है, 25 गाय है, लेकिन 4 मर चुके हैं, लेकिन और सारे को बचा लिया गया है। आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई जो कानून संगत कार्रवाई होगी की जाएगी। ये तस्करी की नियत से लिया था, अभी ये तो जांच का विषय है। अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं मीडिया से संपर्क करें।